Hi everyone. Time to leave from Vernon. तो हॉलीडे छोड़ने का टाइम आ गया. अभी आज जाएंगे वापस एडमिंटन. कुछ 900 किलोमीटर है वहाँ से. और अभी 7:30 हूँ. थोड़ा टाइम से निकले. ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा और अभी जा रहा हूँ. थोड़ा सामान रखें गाड़ी में, उसके बाद निकलते हैं. टाइम हो गया हमारा निकलने का जी. अब जाके बैठते हैं गाड़ी में और अपनी जर्नी करते हैं शुरू. बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है ना, वो सीनियर्स के लिए लिखी हुई है, लाइक सीनियर सिटीजन्स के लिए. तो उससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग रह रहे हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद ही रह रहे हैं. लेकिन ये जगह बड़ी मज़े की है. दूर दूर घर बने हुए हैं और ज़्यादातर फार्मिंग लैंड है सारी. जिस गांव से हम लोग जा रहे हैं इसका नाम है हमारा. और यहाँ पे भी इतनी बड़ी ये लेक है. बहुत सारे कैंप ग्राउंड्स हैं, बहुत एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे भी. लेकिन यहाँ पे अभी तो नहीं जाया जा सकता, स्पेशली बुकिंग करनी पड़ेगी किसी कैंपिंग के लिए. स्टे हियर एज़ वेल.
जगह पे बर्फ जो है ना आइस मेल्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ी थोड़ी है जितनी गर्मी थी, विच इज़ रियली स्ट्रेंज. बहुत ही गर्म है. हम लोग पहुंच गए हैं गोल्डन, ये इस सिटी में, और यहाँ पे फिर जाएंगे टिम ऑटो. ये गैस स्टेशन है टिम ऑटन. यहाँ की एक लोकल शॉप से ये इनको लेके देंगे आइसक्रीम. के लिए यहाँ पर रुके भी थे. विशाल ने दिए कौन से आशे कुकीडो, और मैंने एज यूजुअल to rest our legs. Oh, so
ये बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, यहाँ पे बोटिंग के लिए ये वो, लेकिन लेक बहुत बड़ी है ये भी। Yep. वेदर बड़ा चेंज हो गया है, तो वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ी ठंड हो गई, लेकिन ऑल गुड। में ज़्यादातर चीज़ें गाड़ी में ही बन गई हैं, सोचा तो ये था कि जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे ज़्यादातर बन जाएगी, लेकिन क्योंकि घर जाते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि घर पहुँचना है, तो कंटिन्यू ड्राइव करते रहें या सिर्फ गैस के लिए या कॉफ़ी शॉपिंग के लिए। वीडियो के लिए इतना ही।